दोस्तों मैं रितेश कुमार उपाध्याय, मेरे YouTube चैनल IOCE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, क्या आपने आजकल कभी भी आपको ऐसी आवश्यकता पड़ी हो कि आप अपने एयरटेल के कस्टमर केयर से बात करें? एक्चुअली होता क्या है ना कि खासतौर से मैं 2021 से मैं देख रहा हूं कि अभी कस्टमर केयर को अगर आपको कॉल करना हो तो आपको यह कॉल करना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि आप कस्टमर केयर को किन किन नंबरों को डायल करें और उस नंबर को डायल करते हुए डायरेक्टली आप कस्टमर केयर से बात कर पाएं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देना जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि जब हम कॉलिंग करते हैं और कॉलिंग करने के बाद जब कस्टमर केयर बोलना शुरू करता है कि आप एक नंबर डायल कीजिए, फिर दो नंबर डायल कीजिए, उस बीच में यानी कि वह अपनी बात जब तक कंप्लीट नहीं करता है, यदि हम उस बीच में किसी नंबर पैड पर क्लिक करते हैं तो हमारी कॉल ब्रेक नहीं होती है, यानी हम अगले ऑप्शन पर नहीं जाते हैं। यानी कि यदि हमें कस्टमर केयर से बात करना है, जब कस्टमर केयर के द्वारा सारे ऑप्शन बता दिए जाते हैं उसके बाद ही क्लिक करने पर हम अगले ऑप्शन पर जा पाएंगे। तो दोस्तों अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम चलते हैं मूल विषय पर। अब दोस्तों इस समय आपको हमारे मोबाइल में यह जो डायल पैड है जिसके जरिए कि आप किसी को कॉल करते हैं, यह स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें 121 लिखकर कॉल करना होता है और हमें अपने एयरटेल के नंबर से कॉल करना होगा। हमारा जो एयरटेल का नंबर है यह दूसरे सिम पोर्ट पर लगा हुआ है, तो फिर हम दो नंबर से कॉल करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम दो नंबर पर क्लिक कर देते हैं और इस समय हमारी जो कॉल है यह जाने लग रही है। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग है मैं इसको आपके सामने रखता हूं। एयरटेल में आपका स्वागत है। हम आपके सवालों को सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप अपने सवाल एयरटेल थैंक्स ऐप पर हमसे शेयर कर सकते हैं। नमस्ते, हमें आपकी सुरक्षा की परवाह है। अब आप एयरटेल थैंक्स ऐप के साथ अपने घर से हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रह सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें। असुविधा के लिए हमें खेद है। प्रीपेड सेवाओं के लिए 1 दबाएं, पोस्टपेड सेवाओं के लिए 2 दबाएं, एक्सट्रीम फाइबर और फिक्स लाइन के लिए 3 दबाएं, एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए 4 दबाएं। आपका कुल डेटा डीए बैलेंस है 1.0 MB। कुल एसएमएस डीए बैलेंस है 900। एक रिचार्ज में आपको मिला टॉक टाइम समाप्त हो गया है। कॉल करने के लिए कृपया अपना नंबर रिचार्ज करें। इंटरनेट काम नहीं कर रहा, सिम खो गया है, कॉल नहीं कर पा रहे हैं, जैसी समस्याओं के लिए 1 दबाएं। अपना अकाउंट बैलेंस, वैधता, डेटा बैलेंस, आखिरी कटौती, PUK और अपना मोबाइल नंबर जानने के लिए 2 दबाएं। हेलो ट्यून डू नॉट डिस्टर्ब सेवाओं और रिचार्ज ऑफर जैसे अनलिमिटेड पैक, स्मार्ट पैक और डेटा पैक के लिए 3 दबाएं। IVR भाषा बदलने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। इस कॉल के दौरान अपने फीडबैक देने के लिए स्टार दबाएं। अपने अकाउंट बैलेंस और वैधता के लिए 1 दबाएं। अपने इस्तेमाल किए गए डेटा की जानकारी के लिए 2 दबाएं। अपने नंबर पर हुई आखिरी 5 कटौतियां और रिचार्जेस के लिए 3 दबाएं। अपना PUK नंबर या मोबाइल नंबर जानने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। ये कॉल जारी रखने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया अपना अकाउंट तुरंत रिचार्ज करवाएं। अब दोस्तों है क्या कि हमने अपने मोबाइल को नेट पैक से
रिचार्ज किया हुआ है, टॉक टाइम हमारे मोबाइल में नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, ठीक इसी तरह से यदि आप डायल करते हैं तो बड़े ही आसानी से आप कस्टमर केयर से बात कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से यह जो छोटी सी जानकारी आपको दी गई है, यह जानकारी आपके लिए रही होगी उपयोगी। तो यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल IOCE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन होता है या आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात को हमसे शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।